हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाजिकल पजल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 10 बेहतरीन आईक्यू टेस्ट पहेलियां। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि दो घरों में आग लगी है, एक गरीब का है और दूसरा घर अमीर का है, तो पुलिस किस घर की आग को सबसे पहले बुझाएगी? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा कि पुलिस आग नहीं बुझाती। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में जन्मा, फिर भी पाकिस्तानी नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा कि बच्चा आजादी से पहले जन्मा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा रॉन्ग ही। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि औरत का कौन सा रूप है जो सब देख सकते हैं लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा विधवा का रूप। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि माइकल के पिता के तीन बेटे हैं, पहले का नाम मई, दूसरे का नाम जून, तो तीसरे बेटे का नाम क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब माइकल ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है कि एक के कुल चार लड़के हैं और उनके एक एक बहन है, तो एक के कुल कितने बच्चे होंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा 9 बच्चे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है कि यदि आप नीले समुद्र में लाल पत्थर फेंकते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब बेसिक सो होगा, पत्थर भी कर डूब जाएगा और क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा आठवां क्वेश्चन है कि कुछ महीने में 31 दिन, कुछ महीने में 30 दिन होते हैं, तो कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे फरवरी, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, 28 दिन हर महीने में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा नवा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके पास हेड भी है और टेल भी है लेकिन शरीर नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा सिक्का। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुआ था? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही फनी है। तो इसका जवाब होगा टीपू सुल्तान अपने आखिरी युद्ध में शहीद हुआ था। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।